हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। काफ़ी बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बुक कीपिंग देखते हैं। तो हम जब अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वॉट आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। तो बुक कीपिंग का मतलब खाली क्या है? बुक कीपिंग का मतलब है आप एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, है ना, क्या कि आप खाली ओनली अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, इसको आप क्या बोलोगे? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? आइडेंटिफाई करने से कि क्या ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, उसको मेजर करना, मनी वैल्यू क्या है उसकी, उसको रिकॉर्ड करना और उसको क्लासीफाई करना। रिकॉर्ड मतलब हमने कल डिस्कस किया जनरल, और क्लासीफाई मतलब उसके जो सीवेरियस अकाउंट्स हैं उनमें हम उसको क्लासीफाई करते हैं। अकाउंटिंग जो है वो हमारी क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों? क्योंकि वो आगे जाके जो जहाँ से बुक कीपिंग खत्म होती है उसके बाद स्टार्ट करती है, और ये वाइडर है देन बुक कीपिंग। तो जहाँ पे हमारी बुक कीपिंग हो जाती है इसके बाद हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग मतलब क्या? अब आप उस डाटा को समराइज करोगे, उसकी एक समरी निकालोगे, उस समरी को क्या करोगे? इंटरप्रिटेट, मतलब क्या आप बताना चाहते हो, प्रॉफिट लॉस, एसेट लाइबिलिटीज क्या आप शो करना चाहते हो, और जो आपके एंड यूजर्स होंगे उनको क्या कर लोगे? कम्युनिकेट करोगे। इसके बाद जब हम अकाउंटेंसी के बारे में बात करते हैं, तो अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है दोनों से, मतलब अकाउंटेंसी क्या है? नॉलेज है। नॉलेज किसका? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये जो हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं इसको हम जब सही तरीके से पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? अकाउंटेंसी। जैसे हम वर्ड बोलते हैं, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आप जो भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, बना रहे हो, बुक कीपिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, इनको सिस्टमेटिक तरीके से जो पढ़ते हैं हम, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी बोलते हैं। चलिए आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की जब बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो किन किन तरीके से करते हैं, तो सबसे पहला हमारा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, समराइजेस एंड इंटरप्रेटेड देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। तो क्या हो रहा है वो कि आप जो आपके इवेंट और ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, कि जो मनी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हैं किसी भी बिजनेस के, बिजनेस उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, ताकि वो क्या कर सके? जो प्रॉफिट और लॉस है उसको असर्टेन कर सके, जो उसके एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू उनको फाइंड आउट कर सके। तो ये इट डिटरमाइंस प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल पोजिशन जो कि हमने डिस्कस किया था, किसको बोला हमने? बैलेंस शीट को। तो ये होती है हमारी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसमें क्या बनना हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो उस प्रोडक्ट में छोटी से छोटे से लेके बड़ी से बड़ी तक कोई ना कोई कॉस्ट लगी होती है। तो उनका काम क्या होता है कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग हर प्रोडक्ट की करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटीज। क्यों? ताकि हम जो अनसर्टेन जो हमारे प्रॉफिट या अनसर्टेन एक्सपेंसेस हैं, अनसर्टेन हमारे जो खर्चे हैं, उन सबको असर्टेन कर सकें और हम उनको क्या कर सकें? हटा सकें। ताकि हम क्या कर सकें? द ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन एंड रिड्यूस क्या? एंड कंट्रोल कॉस्ट। मतलब हम क्या कर सकें? कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकें। दूसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो फंड कॉस्ट और प्रॉफिट से क्या होगा कि किस तरीके से एफिशिएंटली कोई एक मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, तो वो उसका क्या डिसाइड करेगा? वो उसके फंड किस तरीके से आ रहे हैं, फंड किस तरीके से यूज हो रहे हैं, कॉस्ट कितनी लग रही है, फालतू कॉस्ट कितनी लगा रहे हैं, प्रॉफिट क्या आ रहा है, सही प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सिंपल है, जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग खाली नीड ऑफ सिंगल यूजर ग्रुप की है। सिंगल यूजर ग्रुप मतलब खाली जो मैनेजमेंट है, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके? अपने जो भी डिसीजंस है उनको एक अकाउंटिंग के तौर से ले सके, ताकि वो देख सके कि हाँ ये जो चीज़ें हमारी अकाउंटिंग में आ रही हैं इस ये हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो तीन हमारी ब्रांचेस हैं,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली बिजनेसमैन जो होते हैं, सोल प्रोपराइटर्स वगैरह, पार्टनरशिप, ये सारे लोग करते हैं। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होगा ये भी कंपनीज करती हैं बड़ी बड़ी, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर कंपनी करती है ताकि वो अपने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में जान सके कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म मतलब कि वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं, मतलब सर्टेन प्राइस उनका यूजफुल है कि नहीं लगाना, इस चीज को देख के।